हेलो फ्रेंड्स, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के साथ मैं हूँ सहार मुगल। आज हम मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी में। जब कराची यूनिवर्सिटी की बात आती है तो तालीम की बात आती है, और तालीम हासिल करना हर शख्स पे ज़रूरी है, क्योंकि तालीम ही जो है इंसान को इंसान बनाती है, और तालीम ही इंसान की शख्सियत में निखार पैदा करती है। हम मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन में। यहाँ पर स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा मौजूद है, और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स से कि उनको किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है, और फर्दर उनके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं। हम उनके टीचर से बात करेंगे, हम उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं, आ जाए। Big challenge to take the system, admission system online. There were a lot of misconceptions, there were a lot of apprehensions, but we took this challenge, and I'm very, very proud that I and the people working with me have done an excellent job. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। कौन सी फील्ड में आज आपको डिग्री मिली है? मुझे वैसे जियोलॉजी में मिली है, मगर मैंने अपनी फील्ड थोड़ी सी चेंज करी है। मैं HR वेस की को फाउंडर हूँ अभी। तो ऐसी क्या चीज़ है कराची यूनिवर्सिटी की जो आपको बहुत याद आने वाली है? मुझे KU में जो एक ये नेचुरल वॉक होती है, नेचर वॉक, जो हम रोज़ सुबह आधा घंटा अपने डिपार्टमेंट से गेट तक करते थे, वो बहुत याद आएगी, बहुत फिट रहते थे। अच्छा, एक सांस में मुझे बता दें कि पेट्रोल कैसे निकालते हैं? हमारी जो फील्ड है ना, वो बेसिकली आपको बताने की किस मैकेनिज्म बता दें छोटा सा। ठीक है, आप जो ड्रिलिंग पॉइंट होता है, पहले आपका गैस आता है, फिर वाटर आता है, फिर ऑयल आता है। ठीक है, तो आप एक ड्रिलिंग पॉइंट के थ्रू वहाँ पे पेनिट्रेट करते हैं। एग्जैक्ट आपने उस पॉइंट पे जाना होता है जहाँ से मैक्सिमम आपको रिकवरी हो। अगर आपने गलत पॉइंट पर लगा दिया, जैसे डाइल्यूट हो रहा है, तो वो रिजर्वायर जो है वो दूसरी तरफ बह जाता है। तो ये जियोलॉजिस्ट का काम होता है, वो रिस्क मिनिमाइज करता है। मेरे साथ अभी जावेद मौजूद हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया केमिस्ट्री में। उनसे सवाल करते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मैंने मास्टर्स किया है कराची से 2012 में। व्हाट इज केमिस्ट्री? Chemistry is a branch of science which deals on chemicals and about chemicals, all type of chemicals. We study on it, and that's all. Chemistry का सवाल एक ऐसा सवाल है कि जो हम 9 क्लास से रटते हैं, और हमें ख्वाबों में भी आता है। क्यों, सही बोल रही हूँ? बिल्कुल आता है, हमें तो स्ट्रक्चर भी आते हैं, पता नहीं क्या क्या ख्वाबों में आ रहे हैं। किस तरह की फीलिंग्स हैं अभी आपकी? अलहमदिल्ला, पहले सोचा नहीं था, मतलब जब से सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर तो आसान था, सेकंड ईयर में आए तो थोड़ा सा ये था कि थोड़ा मुश्किल था, थर्ड ईयर तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल था, फाइनल ईयर में बस अब हो गया मास्टर, तो यकीन नहीं आ रहा कि वाकई कर भी लिया हमने इतनी आसानी से। दोस्त यार तो होंगे? बिल्कुल हैं। तो आप उनको मिस भी करोगे? बिल्कुल मिस करेंगे। तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? बस ये कहूँगा कि जो भी तमाम दोस्त हैं, वो गेट टुगेदर करते रहें और साथ रहें और याद रखें। वो कि इंसान जो है अपने एक स्टडी के बाद बिजी हो जाता है जॉब्स में, तो कहने का मतलब ये है कि मिलते रहें, बस याद रखें, खुश रहें। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत याद आने वाली है KU की? फ्रेंड्स, लाइफ, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं रहे, और बस यही। आप मुझे बता सकती हैं आपने बॉडी पार्ट पढ़े बचपन में? अच्छा, तो मुझे बताएं हमारे हाथों में कितनी उंगलियाँ होती? 10। 10? या आप बताएं? 8 उंगलियाँ होती हैं। ओके, थैंक यू सो मच, पहला मुझे आंसर सही मिल गया। किसका ख्वाब था जो आपने आज पूरा कर दिया? ख्वाब ऐसे मैं मतलब उस घर से नहीं थी कि मतलब बच्चों को थोपा जाएगा आपने ये बनना है और बन के बाहर निकलना है, लेकिन शुरू से पेरेंट्स ने बोला हुआ था कि बेटा बस जिस चीज़ में हो कंप्लीट करके निकलना बाहर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत याद आने वाली है KU? ठीक है, कुछ चीज़ें याद आएंगे, कैंटीन याद आएगी, थोड़ा सा हम लोग का जो प्रेशर होता था पढ़ाई वगैरह का, उसके बाद जाके जब हम लोगों को कहते थोड़ा सा रिफ्रेश होना था। तो आपने बॉडी पार्ट पढ़े बचपन में? तो पढ़े होंगे ना, नर्सरी में पढ़ाते हैं यार। ठीक है, चलो बताएं, बोले पूछ के देखें। ओके, हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, दोनों हाथों, दोनों हाथों में 8 उंगलियां होती हैं, 2 अंगूठे होते हैं। ये बहुत चिटिंग हो रही है आज मेरे साथ, सब पढ़ के आए। नहीं, एक्चुअली आज हमें फील हो रहा है कि हम पढ़े लिखे हैं, तो ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को मिली है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। कौन सी फील्ड में आज आपने जो है डिग्री ली है? केमिस्ट्री। तो आप मुझे बताएं कि ब्रांचेस कितनी होती हैं, लेकिन एक सांस में? ओके, एनालिटिकल, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल। बस 5 ही? हाँ, 5। मैं तो 12-13 पढ़ी थी 9 क्लास में। नहीं, वो 9 क्लास थी ना। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ना हमारे हाथ में कितनी उंगलियाँ होती? 5। और दोनों हाथों में? 10। सोच लें। जी जी, सोच लिया। डन कर दूँ? डन कर दें। फर्दर फ्यूचर प्लान्स? नथिंग,
सोचा ही नहीं आपने कुछ? नहीं क्यों? बस ऐसी। अच्छा मतलब शादी वादी करनी है? हाँ शादी होगी तो। चलें बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। मैसेज देना चाहेंगी जो बच्चे नहीं पढ़ते उनके लिए? बिल्कुल देना चाहूँगी कि अपनी तालीम पे फोकस रखें, अपने वक्त को ज़ाया मत करें। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट यू नीड एजुकेशन इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ, सो प्लीज़ हैव एजुकेशन ऑल द टाइम एंड डोंट फील लाइक दैट यू आर गेटिंग समथिंग विच इज़ ऑफ नो यूज, इट कैन बी यूजफुल इन समवेयर इन योर लाइफ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। आपको यहाँ पर टीचर्स जो मिले हैं अच्छे मिले थे बुरे मिले थे, किस तरह के मिले थे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामिक लर्निंग डिपार्ट था और बहुत अच्छे मिले थे, उन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमें बहुत कुछ सिखाया। क्या फीलिंग्स हैं आपकी? आई कांट से इन वर्ड, आई डोंट हैव एनी वर्ड टू से, यू नो आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग टू टेक द डिग्री ऑफ मास्टर्स। आपने बॉडी पार्ट्स तो पढ़े होंगे बचपन में, तो आप मुझे बताएं कि एक हाथ में कितनी उंगलियाँ होती? एक हाथ में 5। अच्छा और दोनों हाथों में? 10। पक्की बात? एग्जैक्टली। इसके बाद अपने आपको किस मुकाम पे देखते हैं? इंशाल्लाह मैं इसी यूनिवर्सिटी में वैसे एज विजिटिंग फैकल्टी में पढ़ा भी रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको परमिट तक अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, इंशाल्लाह परमिट फैकल्टी होके इंशाल्लाह यहीं पर तदरीस करूँगा मैं। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। कौन सी फील्ड में आपने जो है आज आपको डिग्री मिली है? हमें जेनेटिक्स में मिली है। अच्छा तो वॉट इज RNA? RNA प्रोटीन का एक पार्ट होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो मुझे बताएंगे आप DNA की फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको मिलता है एक वाटर कूलर? थैंक यू सो मच। अच्छा आप मुझे बताएं, अवार्ड हमें मिल चुका है हमारी डिग्री। अच्छा अच्छा आप मुझे बताएंगी कि हमारे हाथ में कितनी गुलियाँ होती है एक नॉर्मल इंसान के हाथ में? 5-10। एक हाथ में 5 और दूसरे के हाथ में 10। दोनों मिला के 10। आप बताएं। 10। सोच लिया? जी। पक्की बात है? आपने क्या क्वेश्चन किया, रिपीट कीजिए। 8 होती है उंगली, 8 होती है उंगली, 8 होती है। इन्होंने मुझे आंसर आपसे फिंगरप्रिंट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो फिंगरप्रिंट में हम पूरी काउंट करते हैं। ये थंब होता है ना, फिंगरप्रिंट में हम पूरी काउंट करते हैं, हम फिंगरप्रिंटिंग वाले हैं और फिंगरप्रिंटिंग में जो है थंब भी काउंट होता है। जनरल नॉलेज का सवाल था और आप इसको जेनेटिक्स की तरह ना घुमाए तो बेहतर होगा। अब हम लोगों का व्यू भी जेनेटिक्स की तरह ही है। हाथ में 8। आज आपकी बेटी को मास्टर्स की डिग्री मिली है तो किस तरह, क्या फीलिंग है आप? बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र है कि इन लोगों ने मास्टर्स किया। ख्वाहिश थी हमारी कि अच्छी तालीम हासिल करें बच्चे। आपने IR किया है तो आपने अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए किया है या अपनी खुशी के लिए किया है? किया है, इंसान अपने लिए पढ़ता है तो आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पेरेंट्स से अलग माइंड होता है, आपका अलग माइंड होता है। कोई मैसेज आप देना चाहती हैं जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स उनको नहीं पढ़ाते हैं? हर पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के लिए कोशिश करना चाहिए, तालीम ज़रूर दिलाएं, वो उनका बहुत मतलब ज़रूरी है उनके लिए, इस दौर के लिए ख़ासतौर से बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर कुछ भी हो लेकिन तालीम ज़रूर दिलाएं। आपकी बेटी ने आज मास्टर्स की डिग्री ले ली, आपकी फीलिंग्स क्या है? हमारी बेगम ने सब कुछ बता दिया। आपके मुँह से भी सुनना चाहते हैं। मुझे घर भी जाना है, इनके बाद भी बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कौन सी फील्ड में आज आपको डिग्री मिली? कंप्यूटर साइंस। तो व्हाट इज कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस इज अ फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उसमें आप ये होता है कि वेब डेवलपमेंट के काम चल रहा होता है, मतलब आप प्रोजेक्ट वेबसाइट बना रहे होते हैं। आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है कराची यूनिवर्सिटी की जो आपको बहुत याद आने वाली है? फार्मेसी की कैंटीन। कैंटीन यहाँ की कैंटीन, मैंने सुना है फार्मेसी कैंटीन बंद हो गई है। अब बंद हो गई है, हम लोग एक साल पहले पास आउट हो चुके हैं यहाँ पे, अब पता नहीं करंटली खुली है या बंद। अच्छा आपने तो बंद नहीं करवाई? नहीं नहीं मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। एक हाथ में कितनी उंगलियाँ होती हैं? 5। और दोनों हाथों में? 10। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है, ये आप वो रिवर्स काउंटिंग वाला मेरे साथ? नहीं 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 सोच ले। हाँ हाँ बिल्कुल 10 होती हैं। लास्ट बार पूछ रही हूँ, 10 होती है? पीछे से? नहीं नहीं पीछे से आवाज़ आ रही है, ये चिटिंग हो रही है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं और उनके पेरेंट्स उनको नहीं पढ़ाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज यही है कि आजकल तालीम के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। नहीं पढ़ना चाहिए, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है बेटे, आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, ये एक एजाज़ भी है हमारे लिए। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो खुद नहीं पढ़ पाते हैं और उनके बच्चे पढ़ लेते हैं। बड़े बिल्कुल बहुत सही बात बेटे, बहुत अच्छी बात की आपने। ये आज हमारी देरी ना ख्वाहिश पूरी हुई कि आज हम सोचते थे कि हम यूनिवर्सिटी में कैसा होगा माहौल, क्या होगा, आज अल्लाह ताला ने आज वो असबाब बनाया कि आज हमारी औलाद हमको
آئیے کر کے دکھائیے بڑے. گرومنگ یہ ہے کہ اپنے ایمز کو دیکھنا, اپنے پرسپیکٹیوز کو دیکھنا, اپنے آبجیکٹیوز کو دیکھنا اور اپنے ملک کو, ملک کی بقا کے لیے کام کرنا, یہ گرومنگ ہے. میرے ساتھ شیری موجود ہیں جن کو آج گولڈ میڈل ملا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے تاثرات کیا کیا ہیں. بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمیں پاکستان کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملا اور ہم نے اتنا کچھ اچیو کیا. آج آپ کی بیٹی نے ڈگری لی ہے تو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور بالکل اپنا طالب علمی کا دور یاد آ گیا ہے کہ جب ہمیں ڈگری ملی تھی اور ماشاء اللہ اس نے بی ایس سی آنرس کیا ہے فزیولوجی میں اور آئی فیل ویری پراؤڈ ٹو بی ہر فادر. فردر فیوچر پلانس کیا ہیں؟ نو آئیڈیا. کے یو کے لیے کچھ آپ بولنا چاہیں گے آپ لوگ؟ میری امی کا خاص طور پہ ایک سپنا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ کوئی تم لوگوں میں سے گولڈ میڈل لانا, تو آج پورا ہو گیا تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اپنے بیٹے کے لیے آپ کچھ گنگنانا چاہیں گے؟ کریم احمد پیارا بیٹا, گڈا راجا سونا بیٹا, بابا کی جان کریم احمد خان. بہت خوش لگ رہے جی. بہت خوشی ہے. کس چیز کی؟ کمپیوٹر سائنس میں گولڈ میڈل لینے کی. دکھائیں میڈل ذرا کیمرے میں دکھائیں. بہت مبارک ہو آپ کو میڈل. بہت شکریہ. آپ کہاں آئی ہوئی ہیں؟ میں کراچی یونیورسٹی میں آئی ہوئی ہوں اور ڈگری لینے آئی ہوئی ہوں. تو ماسٹرز کی ڈگری لیے یا کسی ایم فل کے لیے, کس چیز کے لیے؟ الحمد للہ آئی ایم انرولڈ ان ایم فل اینڈ ناؤ آئی ٹک ڈگری آف ایم اے ان فرام اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ. وہ 3 4 5 6 7 8 9 10 10 پکی بات ہے؟ جی جی پکی بات. نہیں نہیں 10 نہیں ہے, غور سے دیکھیں. 10 ہے. میرے ساتھ ابھی کے یو بی ایس کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جنہوں نے ابھی ایم بی اے کی ڈگری لی ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے فیوچر پلانس کیا کیا ہیں. مائی نیم از فہد اور ابھی ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے آج کا اور ہم نے آج گریجویشن, ہمیں ڈگری ملی ہے ایم بی اے کی اور ان فیوچر ہمارا پلانس یہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر پائیں اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے. چلیں آپ بتا دیں مجھے واٹ از مارکیٹنگ. مارکیٹنگ یہی ہے کہ آپ نے کنزیومر کی نیڈ کے مطابق جو ہے وہ ان کو پروڈکٹ پرووائڈ کرنی ہے, گڈز اور سروس پرووائڈ کرنی ہے اور ان کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, پھر اپنے ان کو حساب سے اس چیز کو جو ہے وہ ان تک پہنچانا ہے اور اس کو پروموٹ کرنا ہے. کیا فیلنگس ہیں آپ کی ابھی؟ کیپ وغیرہ پہنے ہوئے ہیں آپ تو اور کیمرہ بھی پکڑے ہوئے اور بڑے اچھے لگ رہے ہیں. فی الحال تو فوٹو گرافر کی فیلنگ آ رہی ہے مجھے, ٹھیک ہے, کیونکہ کیمرہ ویمرہ پکڑا ہوا ہے, لیکن کافی اچھی فیلنگ ہے مجھے کہ فائنلی میں نے ماسٹرس کر لیا ہے, ایم بی اے کر لیا ہے. کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ایک ساتھ دیجیے گا لیکن, پاکستان کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے. محنت کریں, آگے بڑھیں, ایمانداری سے, دیانتداری سے معاشرے کے لیے محنت کریں, اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, سلو سلو اسٹرگل کریں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوئی اپنا اہم کردار ادا کریں. کچھ ایک اہم کردار ہم پڑھائی سے ہی ادا کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ایوننگ پروگرام موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلے کے اسٹوڈنٹس میں اور اب کے اسٹوڈنٹس میں کیا فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ ہر زمانے کے اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ زمانے کی کچھ اقدار چینج ہو جاتی ہیں, تو لہذا جو سیلیبریشن کے انداز ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. پہلے ہمیں کبھی یہ میوزک نہیں سنائی دیتا تھا جو آج سنائی دے رہا ہے, یہ یہاں کا پاپولر میوزک ہو گیا, تو یہ ہمارے زمانے میں یہ والی ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں, نہ یہ فیسلٹیز ہوتی تھیں, تو لہذا یہ کہنا کہ اسٹوڈنٹ مختلف ہو گئے, نہیں, اسٹوڈنٹ ہر زمانے کے لحاظ سے ہوتے ہیں. آج ہم موجود تھے کراچی یونیورسٹی کی کنووکیشن میں. علم ایک ایسی روشنی ہے جو ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکالتی ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے, زرنم ہوئی مٹی تو بڑی زرخیز سے ساقی. دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا, سہار مغل کا آپ لوگوں کو اللہ حافظ. آپ بتائیں ہمارے ہاتھ میں آٹھ, ہمارے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں, ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں, دونوں ہاتھوں میں 8 انگلیاں ہوتی ہیں, دو انگوٹھے ہوتا ہے, انگلیاں 8 ہوتی ہیں, انگوٹھے 8 ہوتی ہیں. انہوں نے مجھے آنسر